अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों देखिए, हमने इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना था। प्रारंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता थर्ड चैप्टर है ये इतिहास का, सिक्स क्लास का। इसमें देखिए, हम ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये हड़प्पा सभ्यता की हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानाघर हुआ करते थे, ठीक है, और बहुत सारी सील जो हैं वो मिली थी खुदाई के दौरान। पुरातत्वविद जो पुरातत्व शास्त्र के ज्ञाता हैं, उन्होंने खुदाई के दौरान बहुत सारी सील जो आप देख पा रहे हैं इनकी प्राप्ति की। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये है स्वास्तिक। स्वास्तिक हड़प्पाई स्वास्तिक है ये, जो कि खुदाई के दौरान मिला था। 100 के करीब ही कब्रें मिली हैं, और जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वो लोग शवों को जलाते थे, ठीक है। लोथल कालीबंगा और स्थलों पर हवन कुंड मिले हैं, जो कि उनके वैदिक होने के प्रमाणित हैं। स्वास्तिक के चित्र मिले हैं जो कि फिर धीरे धीरे इसका पतन होता गया। आइए अब इसके हम सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए करते हैं। तो देखिए, अपनी बुक्स निकाल लीजिए आप और पेंसिल निकाल लीजिए। देखिए ये सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट का है, विश्व की अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसके समीप हुआ था? नदी घाटे के समीप हुआ था, क्योंकि नदियों से जल लेना उनके लिए आसान था और वहां पे कोई भी सभ्यता जो है वो फल फूल सकती थी। जल के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है आज तक, है ना। तो इसीलिए नदी घाटे के समीप ही प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ था। मोहनजोदड़ो में घरेलू कार्यों में प्रयोग होने वाले जल का मुख्य स्रोत क्या था? तो नदियां थी। हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो बर्तनों पर किसके चित्र बनाते थे? जानवर और पक्षियों के चित्र बनाते थे। अब देखिए, जो हड़प्पाई लिपि है उसमें मुख्यतः क्या प्रदर्शित होता था? तो चित्र प्रदर्शित होते थे मुख्यतः। हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग 3300 से 1700 ईसा पूर्व में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में नगर का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता था, ये आपको खुद से सर्च करना है। विशाल स्नानाघर का फर्श जो है वो पक्की ईंटों से बना होता था। हड़प्पा बर्तन सोने और चांदी से बने होते थे, और लिपि जो है वो आपको ढूंढेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में दो प्रमुख नगरों के नाम बताने हैं आपको। ये प्रश्नों के उत्तर जो है बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है, और इसे साथ में याद भी करें।